अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमें यकीन है कयामत पे, द डे ऑफ जजमेंट। मगर कयामत आने से पहले हमारे नजदीक आखिर ऐसा क्या होगा जिससे हमें पता लग सके कयामत बहुत ही नजदीक है? तो हमारे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले से बताया है, अपनी तमाम उम्मत को आगाह किया है। इसमें से सबसे बड़ा साइन क्या है? इमाम मेहदी का आना। और ये वक्त जब आएगा इमाम मेहदी का, तो कयामत बहुत नजदीक होगी, बहुत नजदीक। आखिर इमाम मेहदी कौन होंगे, वो क्या करेंगे जब दुनिया में आएंगे, इसके बारे में हमारे नबी ने बताया है। वो आखिरी वक्त जब तक नहीं आएगा जब तक इमाम मेहदी ना आ जाए। और जब इमाम मेहदी आएंगे तो वो पूरी दुनिया को इंसाफ से भर देंगे और हर जगह इंसाफ होगा, जुल्म खत्म हो जाएगा। तो इमाम मेहदी कौन होंगे, वो क्या करेंगे, उनका नाम क्या होगा? हमारे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनका नाम मेरे नाम जैसा होगा और उनके फादर का नाम भी मेरे फादर जैसा होगा। तो उनका नाम कुछ ऐसा होगा, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, और वो अहले बैत से होंगे, हमारे नबी के खानदान से होंगे, उनके ऑफस्प्रिंग से होंगे। और वो किन से होंगे? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अनु और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अनु, वो हजरत हसन के ऑफस्प्रिंग से होंगे, ऐसा हमारे नबी ने बताया है। और जब इमाम मेहदी आएंगे तो वो खुद अपने आप को जाहिर नहीं करेंगे, वो एक नॉलेजेबल शख्सियत होंगे। उनमें वो क्वालिटीज होगी जिससे लोग कहेंगे कि आप ही इमाम मेहदी हो। और हमारे नबी पाक ने फरमाया है अल्लाह इमाम मेहदी को एक ही रात में तैयार कर देगा, ओवरनाइट उनमें सब क्वालिटीज आ जाएगी। और फिर वो तमाम मुसलमानों के लीडर होंगे और इस दुनिया को इंसाफ से भर देंगे। और इंसाफ कैसा होगा? हमारे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत के मुताबिक होगा। और बहुत सी जंग लड़ी जाएगी और इमाम मेहदी मशरिक यानी ईस्ट साइड से आएंगे, जैसा कि हमारे नबी ने फरमाया कि उनके साथ मशरिक से एक लश्कर आएगा जो उनका सपोर्ट करेगा। और अभी लोग बोलते हैं मेहदी इराक में है, एक गुफा में है, हजार साल से उधर ही है। लोग ये सब गलत बोल रहे हैं, ये सब लोग कुरान और सुन्ना के अगेंस्ट जाते हैं, कुछ भी कह देते हैं। और मेजर साइन क्या है? जब इमाम मेहदी का जहूर एकदम सामने होगा, जैसे अर्थक्वेक्स आ जाना, जैसे अभी तो रिसेंट ईयर्स में बहुत से अर्थक्वेक्स आए हैं। टर्की में जो अर्थक्वेक्स आया है उससे आप अंदाजा लगा लो कितना बड़ा अर्थक्वेक था। और ये टाइम बहुत करीब है, बहुत करीब। आने वाले साल में अर्थक्वेक्स की तादाद बढ़ जाएगी और बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स आएंगे, बहुत ज्यादा। फिर टाइम आ जाएगा दज्जाल के बाहर आने का। अब ये हमें कैसे पता चलेगा दज्जाल बाहर आने वाला है? देखो, जब तमाम मुसलमान जब इमाम मेहदी के साथ होंगे तो वो सब मुसलमान अल शम्स आएंगे, मतलब सीरिया पलस्तीन बैतुल मुकद्दस आएंगे। और फिर वहाँ ईसा अलैहि सलाम का जुहूर होगा, वो आसमानों से नीचे उतरेंगे। और जब सब मुसलमान देखेंगे ईसा अलैहि सलाम नीचे आ रहे हैं आसमानों से, तो सब नमाज के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर सब बोलेंगे ईसा अलैहि सलाम को नमाज पढ़ाने, लेकिन वो मना कर देंगे। सोचो ईसा अलैहि सलाम भी मना कर देंगे तो कौन नमाज पढ़ाएगा? तो ईसा अलैहि सलाम इमाम मेहदी को आगे करेंगे और इमाम मेहदी पूरी मुस्लिम उम्मा को नमाज पढ़ाएंगे। और जब ईसा अलैहि सलाम नीचे आएंगे तो वो इंजील को नाफिज नहीं करेंगे, वो कुरान को नाफिज करने आएंगे और कुरान को फॉलो करेंगे। और ईसा अलैहि सलाम हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर होंगे। और फिर वो टाइम पर जब इमाम मेहदी का दौर होगा, तब तमाम मुसलमानों की जिंदगी बदल जाएगी और फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी रहमत और बरकत से तमाम मुसलमानों के लिए अल्लाह आसमानों को हुक्म देंगे नीचे आ और बारिश बरसा। और फिर अल्लाह हुक्म देंगे अर्थ से, दुनिया से, जमीन से कि अपने फ्रूट्स और वेजिटेशन, मतलब जो फल है और सब्जियां हैं, तमाम चीजों को बाहर निकालो, जमीन को बोलेंगे। तो फिर वो टाइम आएगा कि किसी मुसलमान को कोई चीज की जरूरत नहीं होगी, सबको बराबर दौलत मिलेगी और सबको बहुत तरक्की मिलेगी इमाम मेहदी के हुकूमत में। और फिर इमाम मेहदी की हुकूमत 7 से 8 साल की होगी, जैसा हमारे नबी पाक ने फरमाया। और फिर इमाम मेहदी अपने फॉलोअर्स के साथ मक्का शरीफ पहुंचेंगे। और जब इमाम मेहदी मक्का पहुंचेंगे तो पूरी दुनिया में मुसलमान जो होंगे वो सब फॉलो करने लगेंगे इमाम मेहदी को, और पूरी दुनिया में मुसलमान होंगे। और फिर है ना वो फाइनल आर, कयामत का दिन, द डे ऑफ जजमेंट बहुत नजदीक होगा। क्या आप तैयार हो?